नमस्कार। फर्मा लोक के इस अंक में मैं डॉक्टर भजनी शुक्ला, विभागाध्यक्ष कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रयागराज में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विगत है कि हम सभी लोगों ने जो फर्मा लोक का ये मंच बनाया है, इस मंच से हम फार्मेसी जगत के विशिष्ट जनों के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके विचारों को समझने को, उनको सुनने का, एक आपको रूबरू कराने का एक हमने प्रयास किया है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ फर्मा जगत के एक ऐसे दिव्यमान मोती हैं जिनकी चमक देश ही नहीं अपितु विदेश तक विद्यमान है। और जो आज हमारे साथ महान शिक्षक, भैसदी विज्ञानी, ओजपूर्ण वक्ता एवं हम सब के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मेश्वर मिश्रा सर हैं। सर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और दो शब्द हम चाहेंगे सर्वप्रथम कि आप हमें और हमारी टीम फर्मा लोक को एक आशीर्वचन के रूप में प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज फार्मा लोक के मंच पे कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी है कि डॉक्टर अमित झा, मिस्टर अमित झा जी के नेतृत्व में और ये एक फार्मा लोक का मंचन किया हुआ है और जिसपे जिसमें काफ़ी फार्मेसी जगत के विद्वान लोग जुड़े हुए हैं और वो सभी लोग मिल करके मिस्टर अमित जी के इस प्रयास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मेसी फार्मास्यूटिकल फील्ड के बारे में जो ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी अज्ञानता है थोड़ी बहुत समाज में, लोगों में, छात्रों में, छात्राओं में और समाज के विभिन्न वर्गों में, उन तक पहुंचाई जाए, तो यह एक बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है फार्मा लोक द्वारा। और मैं फार्मा लोक के सभी उन कर्मठ साथियों को जो इससे जुड़े हुए हैं और जो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि अपने प्रयास में सफल हों। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस योग के साथ और जिस निरंतर प्रयास के साथ और अपनी पूरी ऊर्जा लगा के इसमें लगे हुए हैं, हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें सफल होंगे। और मेरा भी ये एक ऐसा मानना था कि हमारे देश में आज भी इसकी बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि आज के दिन भी समाज में फार्मेसी जगत के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उसको एटलीस्ट कम से कम इस फार्मा लोक के मंच के थ्रू आप लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं आप लोगों को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इसमें बहुत बहुत सफल हों और हम लोगों की जो भी इसमें योगदान हम लोगों को होगा समय समय पर निश्चित रूप से हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वैसे तो सर को किसी पर्चे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं गुस्ताखी करने की क्षमा चाहूंगा सर आपसे कि मैं आपका परिचय देने की कोशिश कर रहा हूं। एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। वैसे तो सर को सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रमों में सर जाते रहते हैं और उनके जो शब्द होते हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं। सर जो है अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हायर एकेडमिक ग्रेड पर कार्यरत हैं और इसके पहले काफी समय सर वहां पर सर टीचिंग और रिसर्च का जो कार्य है वो कर रहे हैं और इसी डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष की भूमिका भी सर ने निभाई है। इसके साथ ही साथ सर को करीब 37 सालों का टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस है, जो कि एक बहुत ही अपने आप में महान वक्त हो चुका है, गुजर चुका है। और सर का जो एरिया ऑफ रिसर्च का जो इंटरेस्ट है उनका, वो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नैनो फॉर्मुलेशंस, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स स्टडीज ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर ड्रग्स। इसी कड़ी में सर ने करीब 254 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं नेशनल रिप्यूट और इंटरनेशनल रिप्यूट के जर्नल्स में, जहां पर सर ने 3 पेटेंट भी फाइल किए हैं और करीब 17 जो है बुक चैप्टर्स भी सर ने लिखे हैं। सर के अंडर में सर ने करीब 2 बच्चों जो कि इनके अंडर में, सर के अंडर में PDF उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 25 लोगों ने करीब अपनी PhD कंप्लीट की है और सर ने करीब 75 सुपरवाइज किए हैं मास्टर्स ऑफ डिग्री के, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को।
जो है सर ने कई सारे फंडिंग एजेंसी से डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स जो कि उन्होंने अपने एरिया ऑफ रिसर्च में परफॉर्म किए, और ढेर सारा जो है कार्य जो है सर ने रिसर्च और टीचिंग के क्षेत्र में किया हुआ है। सर अब हम प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको शुरू करना चाहेंगे, और सबसे पहले अब आपको, क्योंकि आप ने करीब इतने साल जो है हमारी फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में शिक्षक के रूप में गुजारे हैं, तो हम आपको सर्वप्रथम जो है आपके बचपन में ले जाना चाहेंगे, जहां पर आपके जो संस्मरण है बचपन में, आपके पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि है उससे जुड़ा हुआ ये हमारा प्रश्न है कि आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा, अपने परिवार और अपने जो आपका बचपन था वो किस प्रकार का था, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उसके बारे में बता पाए। मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से और किस विपरीत परिस्थितियों से निकल के आया हूं। अच्छी बात है, एक मुझे एक अवसर मिल रहा है, मैं बताना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी बताने में, क्योंकि शायद दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हो। जी सर, मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं, और गोरखपुर के 60 किलोमीटर दक्षिण में सरजू नदी के उस पार बढ़लगंज एक कस्बा है, उसी के बगल में मेरा गांव है मिसौली द्वारिका पट्टी करके, तो वहां का मैं निवासी हूं। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे पिताजी मैं जब 5 वर्ष का था तभी गुजर गए, स्वर्गवासी हो गए, और उसके बाद हमारे मामा जी जो मेरा ननिहाल है वो बढ़लगंज के 15 किलोमीटर पश्चिम में एक कस्बा है जिसका नाम है गोला बाजार, वो भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। गोला बाजार में मेरा ननिहाल है, मेरे मामा श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जी, और वहाँ मन्नीपुर एक गांव है जो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का और बहुत ही सनाढ़ लोगों का परिवार है और गांव है। आज भी लोग वहाँ से काफ़ी पढ़े लिखे लोग निकले हुए हैं, और उन्हीं लोगों के, हमारे मामा जी के परिवार के ही लोगों का एक VSAB इंटर कॉलेज करके जो आज भी बहुत मशहूर है गोला में, वहाँ पे था। तो मामा जी को, मामा जी ने हमको वहाँ से, हमको घर से ले गए, और हमारी प्रारंभिक शिक्षा कह लीजिए कि मेरा ननिहाल में ही हुआ, मन्नीपुर रहते हुए हुआ और गोला बाजार में हुआ, और मैंने अपने 12th तक की पढ़ाई गोला बाजार में की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ सारा खेती बाड़ी से संबंधित, और एक कृषक जो भी काम करता है, एक खेतिहर कह लीजिए, किसान कह लीजिए, जो भी काम करता है, वो सब मैंने अपने बचपन और स्टूडेंट जीवन में, यंग जो मेरा स्टूडेंट जीवन था भारत तक का, तब उस समय सब कुछ किया है मैंने। चाहे वो फसल कटवाना हो, रात को पानी चलवाना हो, या इवन घर पे किचन गार्डन जिसको आजकल लोग नाम देते हैं उसमें सब्जी उगाना हो, तो वहाँ के किचन गार्डन तो बहुत बड़े हुआ करते थे, तो वो सारा मैंने, सारी सब्जियाँ उगाते थे हम खुद अपने मेहनत से, और सारे खेती का काम कराते थे, और ये सब करते हुए मैंने पढ़ाई किया। तो मुझे हाई स्कूल यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में साइंस से किया, यू ऑफकोर्स इंटरमीडिएट में मैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम में था, तो मैं हाई स्कूल में भी स्कूल में टॉप किया और इंटर में भी स्कूल में टॉप किया। और दुर्भाग्य से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा ये भी दुर्भाग्य रहा कि मैं जब क्लास 7 में था तो मेरी माता जी भी गुजर गई, और मेरी एक छोटे भाई हैं जो कि सेल टैक्स में यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है कानपुर में, तो हम लोग 2 भाई हैं। गांव पे हमारे चाचा जी वगैरह खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन मेरी सारी दीक्षा, शिक्षा दीक्षा जो है वो गोला बाजार के मन्नीपुर गांव से VSAB इंटर कॉलेज से हुआ, जहाँ से मैं टॉप किया हाई स्कूल और इंटर दोनों में, और वो ईश्वर की का आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, मेरी मेहनत रही कि मैंने सब कुछ करते हुए और वहाँ से टॉप करके हम निकले। मेरी, चूंकि मैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम से था, तो मेरी इच्छा तो थी कि इंजीनियरिंग में एडमिशन करने का, कराने का, गांव में बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, ये बात है 1977 की, 1977। जी। तो मेरा, मेरी जो सारी तमन्नाएं थी बस वही था कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में मेरा एडमिशन हो जाए, डायरेक्ट एडमिशन होता था, और वहाँ से मैं इंजीनियरिंग कर लूँ। मेरा 72.2% उस समय इंटरमीडिएट में ओवरऑल एग्रीगेट मेरा मार्क्स था, और मुझे पूरा उम्मीद था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और मेरे एक मौसेरे भाई, कजिन ब्रदर एक यहाँ पे डॉक्टर शिवानंद शुक्ला, अभी वो डॉक्टर हैं और जी काफ़ी बड़े आदमी हैं, वो यहाँ से BSc कर रहे थे BHU से,
तो उन्होंने हमको बी फार्मा का फॉर्म भेज दिया था, जो कि आईटी बीएचयू में जहाँ मैं अभी हूँ वो डिपार्टमेंट वहाँ बी फार्म रन करता जी था। तो उन्होंने फॉर्म भेज दिया तो मुझे बी फार्म के बारे में, जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को भी नहीं पता था, तो हमारे यहाँ जो एक बहुत ही नामी गिरामी जो डॉक्टर थे, वो हमारे मामा जी के ही परिवार से थे, तो उनसे जा करके मैंने पूछा, डॉक्टर अनिल तिवारी नाम है, आज भी हैं वो, तो मैंने कहा, और एक अमरनाथ तिवारी हैं, डॉक्टर अमरनाथ तिवारी, कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ, भरूँ? तो उन्होंने बोला हाँ भरो, और उनको जो ज्ञान था उस समय, उन्होंने कहा अगर तुम बी फार्म के बाद एम फार्म कर लोगे तो ड्रग इंस्पेक्टर हो जाओगे और बहुत पैसा कमाओगे, दिस इज व्हाट ही सेड। तो खैर मतलब ये जो मेरे पास प्रारंभिक सूचना थी बी फार्म के बारे में, बस इतना ही थी, तो ये कुछ समझ में आया कि पैसे की कमाई अच्छी हो सकती है, तो चलो कुछ ठीक ही कोर्स होगा, पढ़ लेते हैं। तो मैंने फॉर्म भर दिया यहाँ का, और ये देख लीजिए कि मुझे चूंकि यहाँ आना था, तो मेरा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, और मेरा एडमिशन यहाँ पर बीएचयू में हो गया। और फिर मैं 1977 अगस्त में मैं सबसे पहले यहाँ आया, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मुझे यहाँ आना था तो मैं अपने मामा या चाचा जी के परिवार में सबसे मैंने कहा कि भाई मेरी 4 साल की पढ़ाई होगी तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। तो आप मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कोई बहुत अच्छा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, मामा जी हमारे सीनियर क्लर्क थे स्कूल में ही, तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, उन लोगों को लगा अरे बीएचयू जा रहा है, पता नहीं कितना पैसा लगेगा क्या है, तो किसी ने हमको हाँ नहीं कहा कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे 4 साल फाइनेंशियली। तो फिर मेरे पास हमको इंटरमीडिएट में 11 और 12 में हाई स्कूल टॉप करने की वजह से नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी 50 रुपया पर मंथ, तो मेरे पास 1200 रुपया 2 साल के वो थे पूरे के पूरे, मेरे माँ का कुछ पोस्ट ऑफिस में जमा हुआ 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 पैसा था, और कुछ मैंने चाचा जी वगैरह लोग दिए, तो कुल 2-2.5 हजार रुपया लेकर के मुझे याद है, और मैं अकेले बीएचयू आ गया एडमिशन कराने, क्योंकि मेरे मौसेरे भाई यहाँ पे थे ही ब्रोचा हॉस्टल में, और एक हमारे दूर के मामा जी भी रहते थे, वो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे हिंदी सेल में, तो उन्हीं के यहाँ मैं आ गया और फिर मैंने एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बीएचयू में आने के बाद हमको लाने में भी शायद भगवान ने हमको सहायता की, या हमको कहा कि नहीं आगे बढ़ो, क्योंकि जिस हिसाब से हमें परिवार में कोई कहा नहीं कि जाइए, तो कोई भी बच्चा होता तो रुक जाता, सोचता कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन पता नहीं मेरे साथ कौन सी शक्ति जुड़ी हुई थी कि मैं चला आया और एडमिशन भी लिया और पढ़ाई भी शुरू कर दी। और उसके बाद तो बीएचयू में आने के बाद ये जो मालवीय जी की बगिया कही जाती है, मदन मोहन मालवीय जी, जी इन्होंने आपको पता है कि ये दुनिया की एक अनूठा विश्वविद्यालय होगा जो कि लोगों के पैसे से बना हुआ है, गवर्नमेंट तो बाद में पैसा देना शुरू करी है, लेकिन 1916 में, आज के करीब 104 साल पहले, उन्होंने लोगों के पैसे से, इवन रिक्शे वाले के पैसे से ये विश्वविद्यालय खड़ा किया। तो इस विश्वविद्यालय में आने के बाद जहाँ की टोटल एक ईमानदारी और एक मनुष्यता, एक मानवता की नींव पर यह विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है लोगों में ज्ञान बांटने के लिए, यहाँ आने के बाद शुक्ला जी मैं कह सकता हूँ कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी है, या कमी रही मेरी, और मैं सिर्फ आगे बढ़ा, कभी पीछे तो मुड़ के मैं देखा ही नहीं, और मेरा आगे का करियर बहुत अच्छा रहा। अगर ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बी फार्म के बारे में भी बता दूं, बड़ा मेहनत किया मैंने, क्योंकि बी फार्म में हमारा सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होता था और बीच में लंच होता था 1 से 1.5 या 1.75 बजे तक, 45 मिनट का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और 77 से 81 तक मैंने बी फार्म किया, हॉस्टल में रहा, मेरी फीस माफ हो गई थी और मुझे 125 रुपया मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलती थी पर मंथ उस समय, हालांकि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिल सकती थी, 125 रुपया ही था उस समय उसका वैल्यू, लेकिन मैंने आईआईटी बीएचयू वाला, जो कि आईआईटी बीएचयू हो गया है, उसको ही मैंने प्रेफर किया, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट से आती थी तो उसमें समय लगता था, तो 125 रुपया मेरे पास ये हुआ करता था हर महीने में। और मैं ट्यूशन पढ़ाता था 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक, तो 125 रुपया मेरे पास वो था, और मेरे पास ये 250 मेरी खुद की आमदनी थी, चाहे वो जैसे भी कह लीजिए, और चाचा जी वगैरह पे या मामा जी पे मैंने किसी भी लोगों पे कभी भी ये दबाव नहीं डाला, या जैसे आजकल के बच्चे तो दिन रात पैसा ही मांगते रहते हैं, तो मैंने कभी उन लोगों से कभी एक पैसा मांगा ही नहीं। हाँ, हमारे एक चाचा जी एयरफोर्स में थे, तो
वो 20 रुपया हर दूसरे तीसरे महीने मनी ऑर्डर हमको भेज दिया करते थे। और मेरा दिनचर्या BHU में ये हुआ करती थी कि मैंने अपने को 8:30 बजे सुबह 8 से 8:30 बजे रात तक कंप्लीटली व्यस्त रखता था, यूँ कह लीजिए 6 बजे से, क्योंकि मैं 6 बजे उठता था, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके, और BHU इतना हरा भरा कैंपस है, फील्ड है, तो मैं आधे घंटे हम लोग वर्जिश करते थे, दौड़ते थे। बल्कि आपको बता दूं, मेरे क्लास फेलो जो ex-DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर GN सिंह जी मेरे क्लास फेलो थे, तो बी फार्मे और एम फार्मे भी, जी तो हम लोग दोनों साथ ही दौड़ा करते थे, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो हम लोग दोनों साथ दौड़ते थे सुबह, और उसके बाद आ करके 8 बजे से क्लास करते थे, 4:30 बजे 4 बजे 4:30 बजे खत्म होता था। फिर मैं 3 दिन हफ्ते में मैं NCC परेड करता था, मैंने NCC ज्वाइन कर ली थी, टू यूपी जी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग NCC, वो ITBHU में ही था। तो 3 दिन उसमें शाम को 5 बजे से परेड होती थी, तो 4 साढ़े 4 बजे क्लास के बाद आता था, और मैं 3 दिन हफ्ते में परेड में जाता था। और वो शायद मंगल बृहस्पति और शनिचर था, और सोमवार बुध और शुक्र 3 दिन मैंने डिप्लोमा जर्मन की क्लास ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि BHU में आप रहते हुए बहुत सारे इवनिंग क्लासेस चलते हैं, आप कर सकते जी हैं, तो ये सारी सुविधाएं थी। तो मैंने डिप्लोमा जर्मन भी किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा योगा भी ज्वाइन कर लिया, डिप्लोमा योगा भी मैंने किया, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ योगा ज्वाइन कर लिया, उसको भी मैंने पूरा किया, और NCC में मैंने बी और सी सर्टिफिकेट, 3 साल तक मैंने NCC किया, तो मुझे बी और सी सर्टिफिकेट दोनों प्राप्त है, और उसी के जी बदौलत मैं यहाँ NCC में एसोसिएट NCC ऑफिसर भी नेवल यूनिट में रहा। तो जी ये जो मेरा 4 साल का जर्नी था 77 से लेके 81 तक, मैंने खुद आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं 7 बजे 6:30 बजे आता था ये परेड करके और क्लास करके जर्मन का, उसके बाद मैं 7 साढ़े 7 बजे ट्यूशन पढ़ाने जाता था, फिर 8:30 बजे आता था, फिर मेरा खाना पीना और उसके बाद की पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत, और फिर नेक्स्ट डे कार्यक्रम शुरू। तो 77 से 81 तक मेरा एक कार्यक्रम रहा, M.Pharm में 81 में एडमिशन हो गया, तो उस समय हम लोग को उसमें 600 रुपया स्कॉलरशिप मिलने लगी, तो उसके बाद से फिर मेरी थोड़ी स्थिति और सुधर गई, लेकिन इन 4 सालों में भी मेरी कोई स्थिति कहीं से कुछ बिगड़ी नहीं रही। बिकॉज आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरा B.Pharm के पढ़ाई में पूरा सारा खर्च 4,500 रुपया था, मेरी डायरी में आज भी लिखा हुआ है, साढ़े चार बात हजार 4 साल का खर्च टोटल, और मैंने सिर्फ एक किताब खरीदी थी फोरेंसिक फार्मेसी मित्तल की, वो 20 रुपए की पूरे पढ़ाई के कोर्स में, बाकी यहाँ BHU में सारी लाइब्रेरी वगैरह में सारी चीजें और सीनियर से है। मिल जाती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं क्योंकि मुझे पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन इसका जरूर अफसोस होता है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, शायद वो लोग रहते तो उन लोगों की सेवा में मेरा भी कुछ समय बीत जाता, जी लेकिन वो मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इस कैंपस में आने के बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कभी मुझे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। आई थिंक इतना सफिशियंट है मेरे जी लिए। तो हम मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सर ने जो भी एक एक शब्द कहे वो किस प्रकार से मोटिवेशनल हमारे लिए है, वो आप समझ सकते हैं कि सर ने इतने सारे पारिवारिक और जो है आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बाल्यकाल से ही जो है सर ने अपने जीवन से जुड़े हुए जो उनके ग्रामीण जीवन था उससे भी जुड़े हुए और हर कार्य करते हुए अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़े। और एक चीज और कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि कभी आप में से ज्यादातर लोगों ने BHU जरूर आप गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं, आपको जीवन में कभी जाने का मौका मिले तो सर ने जो बातें कही वो आपको परिलक्षित दिखेंगी वहां पर, सामने साक्षात रूप में दिखेंगी, और जब हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी देवतुल्य स्थान जो है हम पहुंच गए हैं, वो एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज नहीं लगता है। तो सर इसी कड़ी में मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि 1977 में आपकी फार्मेसी की जो सफर है वो शुरू हुआ, तो उस 1977 से 2020 काफी समय आपने इसमें देखा, तो आज के जो उस समय से लेकर के आज के समय तक जो फार्मेसी का सफर है आपका, या जो फार्मेसी क्षेत्र में जो आज बदलाव हुए हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। उस समय उत्तर प्रदेश में आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ IIT ITBHU में ही सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई हुआ करती थी, पूरे उत्तर प्रदेश में जी कोई सर कॉलेज नहीं था। उसके बाद जो पहला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 2-4 साल बाद है, एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, लेकिन मोदी जो KN माइपर कहलाता है मोदी नगर में वो आया, तो जी फार्मेसी का तो एकदम ही प्रचार प्रसार तो था ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे उस समय, लेकिन आज तो इतने सारे कॉलेज खुल गए हैं, इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आई थिंक हमें यूपी में ही हो सकता है 1,000 से ज्यादा हो,
डिप्लोमा के सर हैं, बी फार्म के हैं, एम फार्म और पीएचडी वगैरह भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो फार्मेसी के बारे में समाज में जो जागरूकता या अवेयरनेस है, उसमें हम कहते हैं, हम समझ सकते हैं, मात्र 20 या 30% का ही इजाफा हुआ होगा जो उस समय था और आज है। इसलिए मैं कह रहा जी हूँ, क्योंकि लोग जानते तो हैं थोड़ा बहुत फार्मेसी को, लोग क्या करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ और आज भी एक बड़े ही धनाढ्य यहाँ बनारस के व्यापारी हैं, वो हमसे 10 दिन पहले अभी प्रश्न पूछ दिया, अच्छा आप क्या पढ़ाते हैं फार्मेसी में? अच्छा आप टेक्नोलॉजी की भी, आप टेक्निकल में क्यों हैं? आप आईआईटी में क्यों हैं? आप क्या टेक्नोलॉजी भी कुछ पढ़ाते हैं क्या? तो वो जी जबकि बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, और आई एक्सपेक्ट हिम कि वो, उनको सारी जानकारी होगी। लग जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि लोगों में आज भी फार्मेसी के प्रति एक ज्ञान एकदम नहीं है, और लोगों को जी फार्मेसी आज भी सिर्फ दवा की दुकान और फार्मासिस्ट के जॉब से आगे कुछ ज्यादा शायद दिखाई नहीं देता है। और जी इसीलिए आज के दिन में, यद्यपि फार्मेसी पढ़ने वालों की तादाद काफी बढ़ गई है इंजीनियरिंग के कंपेरिजन में, लेकिन उसके पीछे भी सिर्फ एक इमीडिएट इंटरप्रेन्योरशिप उनको दिखाई दे रहा है, वो है कि दे कैन ओपन देयर ओन शॉप, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रिटेल और होलसेल, एक फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करा के। लेकिन परिवार में और जो हमारा जो जो सामाजिक जगत का स्वास्थ्य हमारे हाथों में सुरक्षित है, उसके बारे में तो लोगों को जानकारी ही नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर को ही जी समझते हैं कि वो वही कर रहे हैं, तो उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आया। हम कह सकते हैं कि 20 से 30%, 77 से लेके आज तक तो जो जागरूकता आई है, बस इतनी आई है, 20 से 30%। क्योंकि शुक्ला जी, आज भी किसी भी बच्चे का एडमिशन फार्मेसी में होता है, एटलीस्ट किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू, तो वो जी इंजीनियरिंग और मेडिकल में फ्लॉप होकर के ही आता है। पहले जी उसका सर रुझान उधर ही रहता है, और इधर बाई चॉइस नहीं, बाई चांस ही इंटर करता है। ये बात अलग है, फिर उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाती है बुलंदियों तक, तो होते अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी पीपुल इवन टूडे इंटरिंग इन दिस प्रोफेशन ओनली बाई चांस, नॉट बाई चॉइस, जी एक्सेप्टिंग सर वेरी फ्यू विच मे बी 5 to 10%। जी जी ये एक कड़वा सच है सर जो आप कह रहे हैं। और अभी भी जो है पहली पसंद बनने की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हुआ है पिछले कई वर्षों में, आप देखेंगे थोड़ा बहुत सा इसमें बदलाव आया है, लेकिन अभी भी काफी बदलाव की गुंजाइश है कि जो बच्चे हमारे हैं, जो नए बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट पास करके आना चाहते हैं फार्मेसी कोर्स में, वो फार्मेसी को ही अपना पहला प्रोफेशन बनाने की कोशिश करें। वो बीटेक और क्या नाम है एमबीबीएस इत्यादि से जब नहीं हो रहा है, उसके बाद वो फार्मेसी को चुन रहे हैं, तो ये एक कड़वा सच है। सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आज का हमारा जो पेंडेमिक आउटब्रेक चल रहा है, जो कोविड-19 का, जो अभी मार्च से जो हम लोग जो सभी चीजें देख रहे हैं, काफी कुछ बदल चुका है, और उसमें हेल्थ सेक्टर ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका जो है वो गुजारी है। और उसी में जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लोग हैं, जो कि हमारे लोग थे जो कि सीधे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, या फिर जो है उन कंपनियों में काम कर रहे थे जहां दवाएं बनाई जा रही थी, तो उन सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके हेल्थ सेक्टर में अपना जो है योगदान दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो फार्मेसी का क्षेत्र है हमारा, उसमें और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं, उनका थोड़ा सा सम्मान बढ़ रहा है, या इससे जो है फार्मेसी के अधिकारों में, उनके क्या नाम है, उनके आने वाले समय में उनके लिए रोजगार में वृद्धि होने की संभावना है या नहीं? और निश्चित रूप से कोविड के समय में थोड़ा सा फार्मेसी के लोगों का योगदान लोगों को समझ में आया है, और जी इसके साथ ही साथ एक्चुअली जो जितने अगर कुछ थोड़े जागरूक लोग हैं, जो जो सामाजिक परिवर्तन को हमेशा समझते रहते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते रहते हैं, उनको तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, या आ जाएगा अगर नहीं आया होगा अभी तक, कि इस कोविड काल में अगर वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बात करें, इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, इकोनॉमिक बूम की बात करें, तो हर जगह धराशायी हुए हैं एक्सेप्ट आईटी जी सेक्टर को छोड़ करके। ये एक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ही ऐसा था जहाँ पे दिन रात लोगों ने काम किया है, मेहनत किया है, चाहे वह इंडस्ट्री हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर हो, और चाहे वो जहाँ भी हो, और जी ये काम करके उन्होंने कोशिश करी है दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए, और वैक्सीन के लिए तो पूरी दुनिया लगी हुई है, इसमें फार्मा क्षेत्र के लोग भी लगे हुए हैं, और आज सर तक इवन कोई नई दवा भी कोविड के लिए नहीं निकल के आ पाई है, तो प्रयास सबका जारी है। तो
इसमें जो फार्मा ने जो एक अग्रिम कदम बढ़ाया है, फार्मा क्षेत्र ने, फार्मा सेक्टर ने, उसमें आप खुद देख लीजिए कि इवन आप अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर के फार्मा कंपनियों ने आज भी अपना परचम करीब करीब पूरा लहराया हुआ है, जबकि बाकी आईटी क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जितनी कंपनियां हैं दूसरे क्षेत्र की, चाहे ऑटो क्षेत्र की हो या स्टील को हो या और कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे सब लोग काफी डाउनफॉल में है। तो फार्मा क्षेत्र में अगर कंटिन्यूअस, चूंकि डिमांड है, जरूरत है, लोगों को स्वास्थ्य रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कंटिन्यूअस एक डिमांड बनी हुई है और कंटिन्यूअस फिर सप्लाई करने के लिए लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो यह जब लोगों को अब दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, तो फार्मा ही है, इस कठिन समय में भी फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे रूप से चली नहीं रहा है बल्कि और आगे बढ़ गया है और क्षेत्रों से, तो निश्चित जी रूप सर, से ये लोगों के दिमाग में ये तो थोड़ा असर डालेगा ही कि नहीं, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आने वाले समय में लोगों को ये काफी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा हर तरह की मुहैया कराएगा, और लोगों को जागरूकता तो हो जाएगी, और इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं फार्मा लोग जैसे, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि लोगों के मन में फार्मा के प्रति सम्मान भी जगेगा, जागरूकता भी आएगी और लोग इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित भी होंगे। धन्यवाद सर। तो सर अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो उन लोगों के लिए है जो कि हमारे नए बच्चे हैं, उनके लिए कि कुछ बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो इस वर्ष फार्मेसी फील्ड में एडमिशन लेंगे या प्रवेश लेने वाले हैं, लेने की सोच रहे हैं या इन्होंने ले लिया है। तो वो इसमें सर दो एक छोटे प्रश्न और भी हैं कि वो बहुत ज्यादा उनमें कंफ्यूजन है कि उन्हें डी फॉर्म करना चाहिए या बी फॉर्म करना चाहिए, ये कंफ्यूजन बहुत कुछ देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 सालों में। जैसे कि फार्मेसी का नाम तो हो रहा है लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मुझे किस जो है कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। दूसरी चीज, एडमिशन लेने के बाद उनको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आप इसके बारे में हमारे छात्र छात्राओं को कुछ संदेश देना चाहिए। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि एक तो होता है कि क्या अवसर मिला आपको, आपको सिर्फ डी फार्म में ही अवसर मिल रहा है या बी फार्म में भी मिल रहा है। अगर ये दोनों अवसर आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से कोई भी कहेगा कि आपको हायर डिग्री में जाना चाहिए, डिप्लोमा में सिर्फ नहीं रहना जी चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उस व्यक्ति या उस छात्र या छात्रा के उद्देश्य क्या है, उसके जीवन का क्या करना चाहता है, जी उसी में छुपा हुआ है। जैसे उसके पारिवारिक बैकग्राउंड या उसके मन मस्तिष्क में यही बैठा हुआ है कि मुझे एक दुकान खोलनी है या मुझे फार्मासिस्ट बनना है या जी एक रिटेल या होलसेल में जाना है, इससे आगे वो सोच ही नहीं रहा है, तो डिप्लोमा करके भी अपना कार्यक्रम वो चालू कर सकता है। जी अगर वो सर डिप्लोमा मिल रहा है, डिप्लोमा 2 साल में हो जाएगा और 2 साल का ही समय बर्बाद होगा उसका, और 2 साल में करके उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के ही सी कैन मूव फर्दर। लेकिन अगर वो उसको बी फार्म की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि व्यक्ति को पहले बी फार्म में आगे एडमिशन लेना चाहिए। उसमें सिर्फ इसलिए नहीं एडमिशन लेना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो रहे हो, बट आपके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ डिप्लोमा करने में नहीं आने वाली है। डिप्लोमा करके आप सिर्फ फार्मासिस्ट या कंपाउंडर या जो रिटेल या होलसेल है वहीं तक आप अपने को रोक देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप बी फार्म कर लेते हैं तो आपके पास पूरी दुनिया खुल जाती है, आप जहां भी जाना चाहते हो, चाहे आप आगे की पढ़ाई में जाना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, आप एमबीए करना चाहते हो, आप इवन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस पीसीएस बनना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है ना। और इसके जी साथ साथ आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, अगर आपका गोल क्लियर है जिंदगी का और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ने में कहीं कोई रोक नहीं सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, जिस फील्ड में भी जाना चाहें, जिस एरिया में जाना चाहिए। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए छात्रों के मन मस्तिष्क में। आई थिंक ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन मिल रहा है बी फार्मा में तो उनकी पहली चॉइस यही होनी चाहिए कि पहले बी फार्म कर लें। डिप्लोमा भले ही वो उनको मिल रहा हो लेकिन डिप्लोमा और बी फार्म में दोनों में चॉइस मिल रहा है तो बी फार्म में जाएं, नहीं चॉइस मिला तो डिप्लोमा में भी करके बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करें, जी ये मेरा कहना है।
जी सर। और सर आप जैसे कि बहुत सारी जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं उनके साथ जुड़े रहे हैं, जैसे यूजीसी है, डीएससी है, पीसीआई है, आयुष डिपार्टमेंट है, एआईसीटी है, एनबीए है, नैक है, और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो एकेडमिक बोर्ड्स हैं उसमें भी आप रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव के आधार पर हमें, या जो हमारी शिक्षक, आज की जो हमारी पीढ़ी है, चाहे वो शिक्षक की पीढ़ी हो या जो लोग अभी नए नए हमारे इंडस्ट्री में, या जो बच्चे अभी पास होकर के निकल रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि फार्मेसी क्षेत्र में तकनीकी रूप से और किन बदलावों की जरूरत है, या हमें और क्या सीखने की आवश्यकता है? देखिए, सीखने की तो बहुत आवश्यकता है। अभी हमारे फील्ड में हम इन्फेंसी तो नहीं कहेंगे, हम इन्फेंसी स्टेज में तो नहीं है, हम ग्रोन अप तो हो चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। जी लेकिन सर, अभी थोड़ा गैप है हमारे नॉलेज में, जो है ना एग्जिस्टिंग, जो मेरे नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है इस फील्ड में, और जो प्रायोगिक तौर पे या प्रैक्टिकल तौर पे हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो लैब में हो, रिसर्च में हो या इंडस्ट्रियल स्केल पे हो, जी सर, तो उसमें अभी मुझे काफी गैप दिखता है। जैसे सबसे बड़ा जो गैप दिखता है वो, जब जो आप भी जानते होंगे कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट एकेडमिक क्षेत्र से अपना डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट लेके निकल रहा है, इवन पीएचडी लेके निकल रहा है, और अगर वो जी सर, इंडस्ट्री में इंटर कर रहा है, तो उसको तुरंत किसी प्रोजेक्ट पे डाला जाता है, किसी कार्यक्रम में डाला जाता है, और उसको नए सिरे से हर चीज सिखाई जाती है। और ये मान के चलते हैं कि साहब आपको ज्ञान नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा। और उतना ही नहीं, उसको सिखाने के चक्कर में उनकी जो सैलरी भी होती है वो ट्रेनी वाली ही दे देते हैं कि साहब तुम तो अभी ट्रेनी हो, ट्रेनी से सैलरी लो। हम उससे डिसएग्री नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारा एक सोच ऐसा है कि हमारा एक सेक्टर जो है ना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, चूंकि ह्यूमन हेल्थ से कम्प्लीटली जुड़ा हुआ है, हम कोई मशीन नहीं बनाते हैं। हम कोई मशीन बिगड़ भी गई तो सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम दवाओं से रिलेटेड मेरा सेक्टर है, मेरा क्षेत्र है, तो दवाओं में किसी भी प्रकार की जीरो डिफेक्ट वाला कंसेप्ट जब तक नहीं लाएंगे, तब तक हम कंप्लीट हेल्थ, वी कैन नॉट इंश्योर कंप्लीट हेल्थ। अगर हमें समाज का इंश्योर करना है, तो हमारी जो भी मेडिसिन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, डिवाइसेज हैं, मेडिकल डिवाइसेज जो आज के दिन में काफी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं, या इवन आपके इंजेक्टेबल्स हैं, वैक्सीन हैं, जो भी है, जहां हमारा जुड़ाव है, इसमें वी कैन नॉट अफोर्ड ए जीरो डिफेक्ट। आई एम सॉरी, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट और एनी काइंड ऑफ लेकुनी। इसलिए मुझे भी लगता है, जैसे मेडिकल को आपको पता है कि एमबीबीएस करने के बाद 5 साल के बाद दे हैव टू डू 1 ईयर इंटर्नशिप, तो उनको 1 ईयर की इंटर्नशिप इसीलिए कराई जाती है कि ताकि वो वेल एक्वेंटेड हो जाए एक्चुअल साइट ऑफ दी हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो जी उस सर, समय वो एज ए ट्रेनी ही रहते हैं, तो उनको भी इसीलिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया नहीं, तुम पहले एकदम से देख लो, समझ लो अपने को, एकदम फर्स्ट क्लास अपने को कॉन्फिडेंट कर लो कि नो, यू कैन डील विद द हेल्थ ऑफ द पीपल। सो वी आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो हमको वो चीज सिखाई जाती है और वो चीज बताई जाती है। तो गैप ये है कि हमारे नॉलेज में या हमारे सिलेबस में, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिलेबस लेके आई है, आई अप्रिशिएट, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सिलेबस, एटलीस्ट ऑफ यूजी लेवल जी इन सम ऑफ द मीटिंग्स। तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर थोड़ा नहीं हो पाता है, इंडस्ट्री के लोग उसमें आ करके अपना योगदान नहीं दे पाते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। लेकिन उसको अगर हम साइड में भी रख दें, तो एज ए एकेडमिशियन अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो छात्र हैं, या और मैं खुद एज ए टीचर, मुझे खुद को अपने पहले देखना चाहिए कि क्या मैं वेल इक्विप्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज विच आई एम गोइंग टू इम्पार्ट टू द स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम लोग आत्मावलोकन, स्वयं का अवलोकन खुद हर अध्यापक करके ये देख ले कि जो भी आप दे रहे हैं स्टूडेंट को, ये कहीं भी किसी भी रूप में उसको आगे जा करके फायदा ही पहुंचाए, किसी प्रकार से वो थोड़ा सा भी गलती ना हो जाए उसमें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गलती। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, जी सर, इनकम्प्लीट नॉलेज या इग्नोरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबको हमारा ये सिर्फ इस मंच से ये कहना है कि एकेडमिक के क्षेत्र के लोगों को, अध्यापकों को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनुष्य के हम स्वार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो भी ज्ञान डोनेशन हो रहा है या ज्ञान दे रहे हैं हम अपने छात्रों को, वो पूर्ण हो हर तरीके से और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। उसके बाद जो निकल रहे हैं वो छात्र और उनको जो इंडस्ट्री के लोग जो भी ट्रेन करके उनको फर्दर आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका आउटलुक है। लेकिन अगर वो हमसे मिल जाते हैं इंडस्ट्री के लोग सिलेबस बनाने में, असल में उनको समय नहीं मिलता है। बहुत बार कोशिश हम लोग भी किए तो ये भी एक जी सर, कमी है कि वो आ नहीं पाते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो ये जो गैप है इसको पूरा किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए कमी तो रहती है, लेकिन हर मस्तिष्क में एक ये प्रयास होना चाहिए, ये एक सोच होनी चाहिए कि नहीं हम इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान जानता है कि कहाँ कमी है, कहाँ पे सुधार की जरूरत है। एवरीबडी नोज, वेदर इट इज ए टीचर और ये स्टूडेंट है, सबको पता है। तो सब लोग उसको इम्प्लीमेंट कर दें, अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो सही हो जाएगी चीज। तो मेरा तो ऐसे ही सोचना है, कोई चीज असंभव नहीं, एवरीथिंग कैन बी डन, लेकिन सिर्फ हमारी सोच जो है उस दिशा में पॉजिटिविटी की तरफ लग जाए कि हमारी जो कमी है उसको रिमूव कर लें, वो छात्रों को एकदम परफेक्ट बनाएं, और वो छात्र छात्रा जो भी जिस फील्ड में जहां भी जा रहे हैं जो हमें काम करने वहां, उसको उनसे कोई किसी प्रकार का कमी ना रहे, गलती ना रहे, ताकि वो जीरो डिफेक्ट लेवल पे काम कर सके और 100% परफेक्शन हो। तो मैं भी सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि सर ने जिस प्रकार से सकारात्मक रूप से जो हमारी कमियां हैं उसको गिनाया है, और आप सभी लोगों को सर ने ये कहा कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें डॉक्टर और जो पेशेंट है हमारे, उन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो एक फार्मासिस्ट होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं या जो इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से जो है परफेक्ट होने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए, अपनी कमियों को पहचान करके। और सर जिस तरीके से आपने कहा कि इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, तो आपकी नजरों में एकेडमिक इंडस्ट्री जो इंटरेक्शन है उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए और जो एकेडमिक हमारा कैरिकुलम बने वो इंडस्ट्री के हिसाब से बने, इसके लिए हम लोग और क्या कदम उठा सकते हैं, या जो हमारी बॉडीज हैं वो क्या कदम उठा रही हैं, हमारे जो हमारे दर्शक हैं वो इससे रूबरू हो, ऐसा कुछ आप हमें बताएं। थोड़ा सा इंडस्ट्री के लोगों को भी ओपन होना पड़ेगा, उनको अपने जो उनको जहाँ उनको समझ में आता है कि हमको एक सिलेबस में ये सुधार चाहिए। क्या होता है कभी कोई वर्कशॉप करिए, कुछ इंडस्ट्री के लोग अगर आ गए, दो चार लोग, एक तो बहुत कम लोग आ पाते हैं, लेकिन आ गए तो हमने प्रायः देखा है कि उनको इतना कम समय मिलता है आने और जाने का। जैसे रात को 12-1 बजे पहुंचेंगे, बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटा अटेंड किए और फिर नेक्स्ट फ्लाइट उनकी आफ्टरनून में रहती है, वो भागते हैं, तो ऐसे तो जी सर, नहीं सुधार हो सकता है। यू नो एवरीथिंग, इफ आई हैव टू डू समथिंग, सम चेंज इन इन टुवर्ड्स द गुडनेस ऑफ द थिंग्स, तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री के जी लोगों को भी, एक तो एक एडमिक के लोगों को खुले दिल से, यू नो, सबको, इन लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आप आइए, हमको बताइए कि आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आपको कहाँ लगता है कि हमें और क्या क्या ज्ञान देना जरूरी है, और फिर आ करके वो चीजें एक दिन मीटिंग बुला करके, चाहे वो जिस लेवल पे हो, इवन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पर भी अगर सिलेबस फिर से रिफ्रेम हो, तो मैं तो कहूंगा जी कि आधे लोग कम से कम इंडस्ट्री के लोग होने चाहिए, जी जो कि सर, ये बता सकें कि कहाँ गैप है और कहाँ वो चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो जब तक ये एक ओपननेस नहीं आएगी और जब तक इंडस्ट्री के लोग भी कुछ समय दे पाए हमारे लिए, देना पड़ेगा समय, अगर नहीं देंगे तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट तो मेरा छात्र ही है, मेरा छात्र और छात्राएं हैं, मैं अपनों वो तो मैं मेरे पास जो जो भी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मेरे पास सिलेबस है, करिकुलम है, उसको मैं उनको दे करके उनको मैं विदा कर दूंगा, वो जाएंगे। लेकिन फिर आपको अगर उनसे बेस्ट लेना है तो आपको आ करके हमें बतानी पड़ेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जब हम आपको इनवाइट करें या आप खुद भी आगे आके के इन चीजों में भाग लें, और फिर समय दें, आप थोड़ा सा समय निकालें उसमें से वो लोग, और एक या दो लोग हर, हम कहते हैं जो टॉप लेवल के इंडस्ट्रीज हैं फार्मा सेक्टर में, उसमें एपीआई के लोग भी आवें, फार्मुलेशन के लोग भी आवें, मेडिकल डिवाइसेस के भी आवें, स्पेशली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी आवें, सभी क्षेत्र के लोग आवें, और सब लोग मिल बैठ करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जब तक इन सारी चीजों को लेके बैठ के नहीं बनाएंगे तब तक ये सारी कमियां रहेंगी, और परफेक्शन में हमेशा उंगली उठेगी, फिंगर्स उठते रहेंगे,
और हम कहीं न कहीं अपने को पाते रहेंगे कि साहब हमारे में ये कमी रह गई या हमारे में वो कमी रह गई। तो एक जो कहते हैं टीम स्पिरिट, इस पूरे जी सेक्टर को अगर रियल रूप में आगे ले जाना है तो इस सबको मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और सबको मिल के इसको आगे ले जाने के लिए, अगर हम ये कह लें कि नेक्स्ट डिकेड में हम इसको एक ऑलरेडी हम देश दुनिया में, देश में ही नहीं दुनिया में भी हमारी धाक तो जमी हुई, इसमें दो राय नहीं है, जी लेकिन सर, हम हमारा प्रोडक्ट अमेरिका से जा करके वापस आ जाए ये नहीं होना चाहिए ना। क्यों जाके वापस आ रहा है? जी सर, जी क्यों हमारे अभी आज के तीन, अभी अभी कोविड का पीरियड अगर छोड़ दे तो हमारे फार्मा सेक्टर की हालत, इंडस्ट्री की इतनी खराब हो गई थी कि USFDA से उनके अप्रूवल ही नहीं मिल रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे भाई? क्यों? तो कुछ तो कमी थी आप में, कुछ तो कमियां थी जिसकी जी वजह से, कमी को कैसे पूरा करेंगे? देर इज ए गैप विच नीड टू बी फिल्ड। तो इसको सबको बैठ के समझना पड़ेगा और सबको मिल बैठ के अगर करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है, जो मैं बहुत पॉजिटिव सोच वाला आदमी हूँ, अब जी मुझे जी लगता है जी कि गुड कम्युनिकेशन से और बातचीत करके और मिल बैठ के, और आजकल तो अगर नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, नाउ कोविड हैज गिवन अस ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन यू नो ऑनलाइन। तो हम लोग अब तो ऑनलाइन हो करके और सारी चीजें कर सकते हैं। कोविड का सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं घर में बैठ करके या अपने ऑफिस में बैठ करके आई कैन डिस्कस एनी थिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी इससे बड़ा सर, और क्या हो सकता है? इसने हमें रास्ता दिखा दिया जो कि पहले लोगों को इनहिबिशन था। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरे पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, नाउ वी शुड नॉट इग्नोर इट एंड वी ऑल शुड कम टूगेदर एंड ट्राई टू फिल ऑल द गैप्स व्हिच इज देयर सो दैट वी कैन टेक दिस प्रोफेशन व्हिच इज कॉल्ड टू बी अ नोबल प्रोफेशन, जो चूंकि हर इंसान के स्वास्थ्य और उसकी सेहत को लेकर के जुड़ा हुआ है, तो उसको हम काफी आगे और एकदम उच्च स्तरीय जो कहते हैं वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी पे ले जा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो। जी सर। तो अभी तक हमने कई सारे गंभीर विषयों पर चर्चा की। अब इसके बीच में सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि सर के जो भी स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने उनको क्लास में पढ़ा है या कभी किसी कॉन्फ्रेंस किसी सेमिनार में सर को सुना है तो मेरी इस बात से पूरी तरीके से वो सहमत होंगे कि सर आपके अंदर जो एनर्जी रहती है, आज इतने सालों आप इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं और जब आप मंच पर जाते हैं, आप लेक्चर हॉल में जब होते हैं तो जिस एनर्जी से आप लोगों को बताते हैं अपनी चीजें और बहुत ही छोटी छोटी चीजें, आप माइन्यूट चीजें जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो गलतियां कर जाते हैं, उन चीजों को आप बहुत ही सरलता से लोगों तक, बच्चों तक, छात्रों तक, जो भी आपको सुन रहा है उस पर पहुंचा पाते हैं। तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं तो कुछ जो हमारे नए लोग हैं जो टीचिंग के लाइफ में आना चाहते हैं या किसी पब्लिक फोरम पे बोलना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देंगे? आपकी जो ये कला है उसको आप किस हम आपने किस प्रकार से निखारा और हम लोग उसमें किस प्रकार से आपसे सीख सकते? हाँ बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। एक्चुअली शुक्ला जी देखिए ऐसा होता है, मुझे मुझे किसी ने ये सिखाया नहीं है। जी 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 मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जरा सा अपने बारे में बता दूं कुछ और। जी सर मैं क्योंकि संघर्ष करके और जीवन में सफल हुआ हूँ, और लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं मानता भी हूँ उसको जी सर कि मैंने अपने जीवन में मेहनत करके, मेरे पास जो कहते हैं लोग ना उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है कि जीवन में यू नो जी आपके मेहनत, ईमानदारी और आपके कंटिन्यूअस एफर्ट का कोई उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इट इज गोइंग टू रिवार्ड यू ओनली। तो हमने जैसे हम आज जी फार्माकोकाइनेटिक्स, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे बहुत पेट सब्जेक्ट्स हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा अब तुम दवा के साथ शरीर के अंदर घुसो और जहां जहां दवा जा रही है, जो जो काइनेटिक प्रोसेस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो। मैं समझाना चाहता हूँ उस तरह से। तो जी मैं BHU का सर प्रोडक्ट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ और पूरे अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि मुझे नहीं पढ़ाया गया था ऐसे कुछ, एकदम नहीं पढ़ाया गया था कि जिससे जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप जी ये कह लीजिए कि मैंने BHU में पढ़ा तो इसलिए मुझे ये ज्ञान सब प्राप्त हुआ, एकदम नहीं। ये मेरे खुद के तैयार किए हुए हैं, मेरी अपनी सोच है। ये जो आप मेरे कुछ लेक्चर्स का जिक्र कर रहे हैं कि जो मैं पेशेंट में क्या जी क्या इनोवेशन प्रॉब्लम्स हैं, इस चीजों को मैं पब्लिक फोरम पे, इवन गवर्नमेंट फोरम पे, जो भी डिफरेंट लेवल्स के लोग हैं, इवन DCGI के सामने, मैंने IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के मीटिंग में भी ये सारे प्रश्नों को रखा हूँ। लेकिन मुझे तो ताजुब तब होता है जो कि ये मेरे सारे प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, ये जो प्रॉब्लम्स जी हैं सर इसका कोई उत्तर आज भी लोगों के पास नहीं है। तो
लेकिन एक चीज और है कि मेरे ये जो सारे रियल लाइफ क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं थ्रू माय प्रेजेंटेशंस, इसको आज तक तो कोई चैलेंज नहीं कर पाया। और इवन मैं डॉक्टरों को भी पढ़ाता हूँ या एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं, फिजिशियंस, सर्जन और आयुर्वेदा के लोग, उन लोगों को भी आते हैं, और उन लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप लोग आप हमको गलत साबित करिए। अगर आप हमको गलत साबित करेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज यू नो अगर इफ आई विल बी पुट रॉन्ग दैट मीन्स कि इट इज गोइंग इन फेवर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ कि ये गलतियां हो रही हैं और ये गलत मैं साबित हो जाऊं, तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ ही इम्प्रूव हो रहा है उधर, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो पहली बात तो एक है कि देखिए, एक प्रयास होना से, बिना सेल्फ प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। ये सब चीजें किसी को कोई पढ़ाएगा नहीं, खुद को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जीवन में एक कर्म क्षेत्र होता है, और वो कर्म क्षेत्र ये है कि मैं अगर अध्यापक हूँ तो पहले मैं छात्र बनूँ। मैं जब अध्यापक हो गया तो मेरा स्टूडेंटशिप हैज नेवर गॉन, यू नो आई हैव टू रिमेन ऑलवेज स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम क्या है? कंटिन्यूअस पढ़ना। एक अध्यापक इज मोर स्टूडेंट देन ए स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट तो पढ़ा, 4 साल में डिग्री लिया और फिर चला गया वो, ठीक है। लेकिन एक अध्यापक को जीवन भर पढ़ना होता है, और जब तक वो पढ़ के अपने को अपडेट नहीं करेगा और अपने विवेक से जब तक वो चीजों को क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज आई हैव ए क्रिएटिव माइंड, आई हैव टू बी इनोवेटिव माइंड, अगर मुझे रिसर्च करना है तो उन सब चीजों को जब तक मैं इनबिल्ट नहीं करूंगा, फिर एक भय निकालना होगा कि हम कैसे बोलें कोई अगला हमें कुछ बोल ना सके। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सबके दिमाग में ये सब उथल पुथल चल रहा है। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है, कोई अच्छी चीज आप बोल सकते हैं, दे सकते हैं, अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो खुल के बोलिए। लेकिन शर्त एक ही है जी, कि उसमें आप में परफेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा आप करते कुछ और हैं और बोल कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल तो जी, आप अगर अपने जीवन में वो चीज चरित्रार्थ किए हुए हैं, उतारे हुए हैं, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैंने अपने क्लासरूम से इसको शुरू किया है। जब मैं बनारस में होता हूँ, BHU में होता हूँ, तो मैं जीवन में आज तक मैंने अपना कभी क्लास नहीं छोड़ा। इवन ऑनलाइन क्लासेज आजकल चल रही हैं। अभी जैसे कल छुट्टी था, तो कल भी मैं क्लास लेने के लिए तैयार था, मुझे पता नहीं था। बच्चे फिर मुझे बताते हैं, सर आज छुट्टी है। एक दिन इसके पहले भी छुट्टी थी, मैं ऑनलाइन बैठा हुआ था, बच्चे फिर हमको फोन करके बताए सर आज छुट्टी है। तो आपको इतना डिवोशन होना चाहिए कि मुझे जो तनख्वाह मिल रही है, मेरी जो सैलरी है, आई हैव टू जस्टिफाई एवरी डे। यू नो हमें हफ्ते में 4 दिन मैं क्लास लेता हूँ, आज के दिन में भी मेरे 36-37 साल के एक्सपीरियंस हो गए, लेकिन हफ्ते में मेरा थर्सडे को क्लास नहीं है, बाकी दिनों में क्लास है। तो थर्सडे को मुझे लगता है यार मेरी सैलरी जस्टिफाई नहीं हुई, मैं आज कोई क्लास नहीं लिया। But that kind of बिल्कुल सर, feeling has to be there, you know. You'll have to have a hard, आपको continuous student बनके आपको update करते रहना पड़ेगा, और अपने knowledge को खुद create करके फिर उसको interesting बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं होगी तो कहीं कहीं आप पकड़ लिए जाएंगे और फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इसके पीछे मुझे बहुत जो कॉन्फिडेंस मिलता है, लेट मी शेयर यू, कि मैं जैसा कि मैंने कहा डिप्लोमा योग किया हूँ और सर्टिफिकेट योग किया हूँ, तो मैं शरीर के प्रति भी पहले खुद बहुत जागरूक हूँ। 3 घंटे मैं देता हूँ, 3.5 घंटे, जी 1.5 घंटे मैं कैंपस में वॉक करता हूँ मॉर्निंग में, और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मैं क्रिया योग प्राणायाम करता हूँ। वो एक योगदा संस्था की क्रिया योग है। इट इज ए फुल, आई मीन फुल ऑफ, अब क्या कहें उसमें, कितनी एनर्जी है वो। मैं मुझे दीक्षा मिली जी हुई है, सर, दैट आई प्रैक्टिस। सुबह भी मैं 1 घंटा करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, मैंने एक नियम बना लिया है। उसके जी करने से क्या होता है कि अल्टीमेटली यू हैव टू हैव सम सपोर्ट फ्रॉम समवेयर। आप जिंदगी के उथल पुथल में तो हमेशा फंसे हुए हैं, तो आप कभी पॉजिटिव सोचना भी चाहते हैं तो इतनी निगेटिविटी आ जाती है अगल बगल से कि आप फिर वो पॉजिटिविटी आपकी धरी की धरी रह जाती है। और जब आप हमारे जी जैसे सर, क्रिया योग टाइप या कुछ इस तरह से योग प्राणायाम से जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने जिंदगी और लेटर से जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, तब ये सब बाहरी चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो रूपांतरण आप में होता है, जो मैं फील करता हूँ, दैट आई कैन स्पीक टू एनी बडी। मैं किसी से बात कर सकता हूँ, किसी लेवल पे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है कोई चीज बताने में, और मुझे कोई संकोच नहीं है। हाँ ये जरूर है, इतना ध्यान जरूर रखता हूँ कि मुझसे कोई चीज गलत ना निकल जाए, और मुझे गलत निकल गई तो मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, चाहे वो कोई छात्र ही हो।
मैं छात्रों से तो आज भी कहता हूँ कि मेरा भैया फीडबैक दे दिया करो मुझे, अगर कोई गलती हो तो मैं इम्प्रूव करूँ, ये आज भी मैं कहता हूँ अपने छात्रों से। हालांकि मेरे यहाँ फीडबैक लेने का ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन इंडिविजुअली भी मैं बोलता हूँ कि मुझे आप प्लीज मेरा फीडबैक दो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव टुमारो एंड बेटर, जो बाद के स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको और अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये एक ऊर्जा है, एक सोच है, एक पॉजिटिविटी है जो हमेशा दिमाग में रख के बढ़े, तो आई थिंक एवरीबॉडी कैन डू। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, सब लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सर सही मानों में तो आप शिक्षक नहीं है, आप गुरु हैं। कि शिक्षक वो होता है जो कि सिलेबस को खत्म करने की कोशिश सिर्फ करता है, और गुरु वो है जो शिक्षा के साथ साथ जो है सभी हमें जीवन के फलसफे भी सिखाता है। और आपके एक एक शब्द जो भी आपने कहे हैं, जितने भी हमारे शिक्षक गण सुन रहे होंगे, जितने भी हमारे शिक्षक मित्र सुन रहे होंगे, उनके लिए जरूर प्रेरणादायक होंगे कि वो अपने कार्य को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए और बेहतर जो है आपसे जो है वो सीख जो है वो उन्हें मिली है। सर मैं एक चीज और इसमें आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने करीब 250 से ज्यादा जो है वो जर्नल्स में पेपर्स और जो आपके रिसर्च के काम है उनको आपने प्रदर्शित किया है। क्योंकि काम करना तो बहुत लोग करते हैं काम, लेकिन उसको जब लिखित रूप में वो प्रदर्शित करते हैं ताकि और लोग उसको पढ़ सकें, बेहतर तरीके से समझ सकें, तो जो हमारे यंग बर्ड्स हैं, जो हमारे बीकॉम लास्ट ईयर के बच्चे हैं या एमकॉम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी काफी आजकल तो देखा जाता है कि काफी दबाव दिया जा रहा है कि वो एक अच्छा रिसर्च पेपर, एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल भी लिखें जो कि उनकी डिग्री को पूरा करने में भी मदद करेगा और उनके किए हुए काम को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाएगा। तो आपने जब पहली बार आप पेपर लिख रहे थे, जब आप पहला पेपर लिख रहे थे, और आज भी आप बहुत सारे पेपर लिखते ही हैं और उसको चेक भी करते हैं अपने जो आपके बच्चे हैं उनके, तो सर हमारे जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे टिप्स दीजिए ताकि वो आसानी से वो पेपर्स जो वो लिखना चाहते हैं उसको लिखें और उनके जो पेपर्स हों वो क्वालिटी जर्नल्स में छपे और उनमें जो काम हो वो भी क्वालिटी का। हाँ देखिए, ये तो इसके लिए बस मैं ये कहूँगा कि वो सभी छात्र जो शोध में हैं, एम फार्म लेवल पे या पीएचडी लेवल पे पेपर लिखना है, तो पहले आप एक अच्छा आप एक रीडर बनिए। पहले आर्टिकल को पढ़ना शुरू करिए, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल है, बुक चैप्टर हो या रिसर्च आर्टिकल हो, पहले पहले आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। होता क्या है कि लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं, हमने रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा बहुत उनको आर्टिकल देखना होता है, हेडिंग देख लिए, थोड़ा सा रिजल्ट विजल्ट भी नहीं देखते हैं, कंक्लूजन देख लिए, करके चल दिया। ऐसे नहीं होगा, आप पढ़िए कम से कम 10 आर्टिकल को, तो पूरा का पूरा पढ़ जाइए कि आर्टिकल लिखी कैसे हुई है, और उसमें आप फिर गलतियां निकालने की कोशिश करिए कि इसमें आपके हिसाब से क्या क्या गलतियां हैं। ठीक है, हाउ कैन यू लर्न। आज जैसे मैं अपने क्या करता हूँ, जब मेरे पास स्टूडेंट आता है, आप बिलीव करिए कि मैंने आज तक अपने किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो 75 एमफार्म के हों या 25 पीएचडी के हों, मैंने आज तक किसी को टॉपिक नहीं दिया है, एक्सेप्ट शुरू के 2-3 बच्चों को मैं टॉपिक दिया करता था। अब मैं उन्हीं से टॉपिक बनवाता हूँ, और टॉपिक बनाने के पहले मैं उनसे कहता हूँ कि तुम आर्टिकल पढ़ो कम से कम 10 आर्टिकल, हाँ एरिया बता देता हूँ, इस एरिया में देखो ये पढ़ो, और फिर उनको बता देता हूँ कि जैसे देखिए तुम पहले तो अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो, अब्स्ट्रैक्ट से तुमको पूरे पेपर का जिस्ट मिल जाएगा कि ठीक है इस आर्टिकल में क्या क्या है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है तो आप इंट्रोडक्शन में पढ़िए। इंट्रोडक्शन में पढ़ने से इंट्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ता है, जबकि पूरे पेपर को, पूरे रिसर्च आर्टिकल में क्यों इस रिसर्च को किया गया है, इस आर्टिकल में जो कुछ भी है वो तो सब गैप तो इंट्रोडक्शन में ही दिया रहता है। इंट्रोडक्शन में आपको ये मिलेगा कि साहब अभी तक क्या किया हुआ है और आगे इसमें क्या करना बाकी है जो कि हमने इस पेपर के माध्यम से किया है। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ के ये सीखिए कि हाउ टू गिव आइडेंटिफिकेशन टू द प्रॉब्लम जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड है या जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, जो आपने रिसर्च के द्वारा किया है और उसको फिर आप लिखना चाहते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत बढ़िया होना चाहिए जो एग्जैक्ट मैसेज दे सके कि आपने ये रिसर्च क्यों किया है। अगर वहाँ आप सफल हो गए तो आप आगे फिर सफल रहेंगे, उसके बाद तो मेथड ने, आपने जो एक्सपेरिमेंटल्स हैं वो तो आपने किया है, आप उसको कितना अच्छा, हाँ जरूर ग्रामर और इंग्लिश और ये सब अपना आप देख लीजिए कि उसमें थोड़ी त्रुटियां ना हो, फिगर की क्वालिटी वगैरह अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन करने के लिए फिगर की क्वालिटी लोग अच्छी मांगते हैं, आपके रिजल्ट्स जो इंटरप्रिटेशन है उसमें आप जो इंटरप्रेट कर सकते हो अपने लेवल पे वो करो, उसके साथ साथ आप रेफरेंस लिटरेचर का सहारा लो।
लिटरेचर आपको सपोर्ट करेगा कि आप जो कह रहे हो उसने फलाने भी किया था, उसने ये कहा, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन हमारा इस तरह से डिफरेंस है, ठीक है। और जी आप जी उनका रेफरेंस डाल दो, रेफरेंस डालना बहुत जरूरी है, यू हैव टू ऑलवेज गिव द रेफरेंस। आप उनका रेफरेंस डाल दीजिए और फिर आप जो कंक्लूजन लिखते हैं या समरी या कंक्लूजन जो लिखते हैं वो बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपने क्या किया और क्या मिला आपको, आप क्या कंक्लूसिव रिमार्क आपका है। अगर आप कोई गैप भी देना चाहते हैं कि अभी आगे क्या इसमें क्या सकता है, या आप खुद करने वाले हैं तो वो भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ए बिग इशू, ओनली थिंग इज दैट फर्स्ट यू ट्राई टू स्टडी, आप पहले पढ़िए, पढ़ के ही सीखिए। और उसमें मैंने जैसा कि कहा कि पहले उनको पढ़ते हुए उसमें कमियां निकालिए कि आपको अगर आप इवेल्युएटर होते या रिव्यूअर होते तो आप इसको कैसे जी रिजेक्ट कर देते इस पेपर को। तो उस रिजेक्ट करने के सही बात, प्रोसेस में जो आप कमियां पाएंगे वो आपको सिखाएगा कि आप वो गलतियां ना कर जी सकें। तो दिस इज द वे बाय विच यू नो, बाकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर और ये कंटिन्यूअस एक एफर्ट, और डरना वाली कोई बात नहीं है। यू ऑलवेज एक्चुअली क्या करते हैं लोग की थोड़ी कंपल्सन भी होती है, जैसे पीएचडी में दो पेपर चाहिए उनको, तो किसी तरह एंड के प्रकारण वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पब्लिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप हाई से शुरू करिए, दो तीन में रिजेक्ट होगा, चौथे में एक्सेप्ट होगा। हम लोग का भी पेपर आज की डेट में भी तीन तीन चार चार पेपर जर्नल्स में रिजेक्ट होते हैं, फिर जाकर के कहीं जी एक्सेप्ट होते हैं। वी डोंट नेवर गेट डिसहार्टेन। और मैं सारे पेपर स्टूडेंट्स ही लिखते हैं, मैं सिर्फ चेक करता हूँ। तो जी मैं कभी भी पेपर आज की डेट में पिछले 20-25 साल से, तो मैं कह सकता हूँ, या इवन 30 साल कह लीजिए, मैं खुद कुछ नहीं लिखता हूँ, क्योंकि लिखना तो जी उन्हीं को है ना, पेपर तो उन्हीं का है, रिसर्च उन्हीं का है, थीसिस उन्हीं की है, दे आर मोर जी सर नॉलेजेबल देन व्हाट आई एम इन दैट फील्ड। तो दे हैव टू राइट, आई गिव व्हाट एवर पॉलिसिंग आई हैव टू डू दैट आई विल डू एंड इट इज गेट डन। तो उसमें डरने की बात नहीं है, पढ़िए खूब, कमियों को निकालिए, रिजेक्ट करिए पेपर अपने लेवल पे, और फिर उससे सीखिए कि आप में वो कैसे कमी नहीं आएगी उस पेपर को लिखने में। आई थिंक बाय दिस वन कैन सर्टेनली, दिस इज लर्निंग प्रोसेस बाय विच यू कैन डू एंड यू कैन लर्न। लेकिन एक चीज और मैं कहना तो चाहूंगा सर इसमें, आप एक एक थोड़ा सा एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा जो छूट गया, कि हमारे पास जो है ना, हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते हमारे डेटा का, जितना एक्सप्लेनेशन हमको देना चाहिए ना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पूरी हाँ सर फार्माकोकाइनेटिक्स की किताब, इतनी मोटी मोटी, जिसकी भी आथर की ले लीजिए आप, फॉरेन आथर की मैं बात कर रहा हूँ, लियोन सार्गल या जो भी है, जी वो सिर्फ किस डेटा पे आधारित है? सिर्फ प्लाज्मा, ब्लड और सीरम, ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम, यही डेटा है। इस डेटा को लेकर के पूरी किताब लिख दी जाती है। सोचिए, पूरी किताब की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इसी सिर्फ डेटा से आती जी है, सर और ये डेटा इसमें न रहे तो आप पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स आपकी बनी नहीं पाएगी, किताब ही नहीं बन पाएगी। तो अब जी इसमें सर जितने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स आए, चाहे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, चाहे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्लियरेंस है, एमआरटी है, दिस दैट दैट, उसको यार तुम करो और उसे एक्सप्लेन तो करो कि हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर रिसर्च। आपने जो किया है इसमें जी इसका सर क्या सिग्निफिकेंस है? लोग सिग्निफिकेंस ही नहीं बता पाते हैं। तो जब आप जी सिग्निफिकेंस को डालोगे कि आपने डेटा सब वही करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एवरीबॉडी हैज टू टेक ओनली द सैंपल्स, एनालाइज द ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और उसमें इतने जी सारे पैरामीटर निकाल करके, और आप अपना अपनी बात को कितने तरीके से कह सकते हैं, वो वाली कला होनी चाहिए कि हाउ विथ ए स्मॉल डेटा यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स विच मे बी इवन फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर रिसर्चर के लिए बहुत काम आ सकता है। तो जी ये सब थोड़ा सा दिमाग में सारी चीजें रखनी चाहिए, तो बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स बनेंगे, कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, जो कि इस काम को कर रहे हैं, पेपर लिखने का काम कर रहे हैं, या नया रिसर्च कर रहे हैं, या जो अभी पीएचडी एम फॉर्म में है, उनको बहुत ज्यादा इससे मदद मिलेगी। इसका तो मैं बिल्कुल भरोसा है मुझे कि इससे मदद मिलनी ही मिलनी है। और एक चीज जो आपने कही वो भी, और भी सभी फार्मेसी के जितने भी जो हमारे छात्र हैं उनको सीखना चाहिए कि फार्मेसी की जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, उन सबका एप्लीकेशन है आगे चल करके, चाहे वो हम कोई भी फील्ड में काम करें, तो वो हमें ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। और अगर हम ये एप्लीकेशन बना लिया तो हम रिसर्च पेपर्स में या हर चीजों में भी उसको इंक्लूड कर पाएंगे। सर आपको सुन करके तो इतना अच्छा लग रहा है कि घंटों हम बातें कर सकते हैं, लेकिन समय की भी थोड़ी सी सीमा है, तो मैं अब इसके आखिरी पड़ाव पे चलता हूँ और आपसे एक एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में हो, इंडस्ट्री में हो, रिसर्च में हो,
मार्केटिंग में हो, फार्मेसी हो, हॉस्पिटल फार्मेसी में हो, कम्युनिटी फार्मेसी में हो, या जो भी जो कार्य कर रहे हो विभिन्न क्षेत्रों में, आपका उनके लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश बहुत क्लियर कट है कि आप जहां हैं पहले अपने आप को देखिए, दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। जी हम सर, ये नहीं कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ने का प्रयास मत करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, लेकिन पहले जहां हैं उस कर्म को पूरे ईमानदारी, मेहनत, लगन, निष्ठा, जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों को अप्लाई करके उसको करते रहिए। उन चीजों को करते हुए अगर आप वहां सफल हो गए जहां पे आप काम कर रहे हैं और वहां आपकी धाक जम गई, तो मैं आश्वासन देता हूं और पूरे दावे और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप आगे जहां भी जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं उस प्रयास को करते हुए, और फिर आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन पहले, सबसे पहले ये सीखिए कि जहां आप हैं वहां कैसे आप बेस्ट अपना दे सकते हैं, क्या वहां आप बेस्ट दे रहे हैं। अगर इसका उत्तर ढूंढना है तो आप रोज शाम को सोने के पहले, एक बार बिस्तर पे जाने के पहले एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आज दिन भर आपने क्या किया। हैव यू रियली डन, हैव यू रियली परफॉर्म्ड द बेस्ट विच यू वेर सपोज टू डू। उसका उत्तर अगर आपको हाँ मिले तो मैं कहूंगा कि आपसे अच्छा कोई है नहीं, लेकिन ज्यादातर केस में उसका उत्तर हाँ नहीं मिलता है। ईमानदारी वाली बात है, क्योंकि स्वयं से आदमी जब पूछता है तो उसको जवाब भी हमेशा सही मिलता है, गलत नहीं मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं, हम तो अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी पर्सनल लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, हम कहते हैं कि हु इज द बेस्ट फ्रेंड इन माय लाइफ, सो आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माय ओन। हमसे अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, क्योंकि मैं फ्रेंड वो होता है जो आपके हमेशा अच्छी दिशा में ले जाए, अच्छे रास्ते पे ले जाए, अच्छे सोचे, अच्छा करे। तो हमारे, मैं खुद अपने बारे में तो हमेशा अच्छा सोचूंगा ही, तो उससे अच्छा कौन बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो इसलिए जब मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं खुद ही से पूछूं, व्हाई शुड आई। यहाँ क्या होता है, लोग दूसरों से पूछते हैं, दूसरों से ओपिनियन लेते हैं, दूसरों से हमेशा एडवाइस लेते हैं और दूसरों में फिर उंगलियां उठाते हैं। यह धंधा छोड़िए, अपने काम में लग जाइए मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, और फिर जो भी आप ऑब्जेक्टिव लेके आगे बढ़ना चाहते हो। एक्चुअली एक चीज और प्रॉब्लम है, लोगों के दिमाग में क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं कि दिमाग में कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जो अपॉर्चुनिटी आती गई उसी को लेकर चलते गए, ऐसे भी नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए लगातार प्रयास भी करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं ना कि हमेशा उसके लिए थोड़ा एक सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और वो सपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि मैं योग प्राणायाम करता हूँ, तो पहली बात तो यह है कि व्हेन आई एम बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ आई हैव टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी, यू नो। यस सर, जब तक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर में ही अच्छे विचार आ सकते हैं, और जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, आपका जो है स्वस्थ दिमाग रहना जरूरी है, ठीक है। और आपके अच्छे विचार तभी आएंगे और तभी अच्छे सोच सकते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में तो दुनिया अच्छा सोचती है। अब हम शुक्ला जी हमसे बात कर रहे हैं तो एक घंटा इन्होंने, आई शुड से कि आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन मी टाइम ऑफ योर प्रीशियस टाइम, सवा घंटे जो आप हमको दिए हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद हूँ। मेरे दिमाग में इस तरह का विचार होना चाहिए, भले ही वो बोले चाहे ना बोले, लोग जनरली आप बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इट इज वाइस वर्सा, इट इज ट्रू ऑल्सो दैट कि यू हैव गिवन मी दिस टाइम, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट, तो आई शुड बी रादर थैंकफुल टू यू रादर देन यू शुड बी थैंकफुल टू मी। ये जो कंसेप्ट है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही अतुलनीय है, और इसका इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है कि लोग आपको लाइक करते हैं, फिर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई उंगली उठाने वाला ना हो, अगर आपकी कोई निगेटिविटी दिखाने वाला ना हो, तो आप क्यों नहीं अच्छा काम करेंगे। यू विल ऑलवेज डू एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ, और जब अच्छा आपका दिमाग रहेगा तो आप अच्छा काम करेंगे, सब लोग प्रसन्न रहेंगे, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मैंने, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो जोड़ है इस प्रश्न का उत्तर देगा। जी जी। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा कविता और गाने वाने में भी इंटरेस्ट है, करना पड़ता है। हाँ सर, जो भी है। तो मैंने एक कविता लिखी है जो जिसमें तीन चीजें मैंने जोड़ा है। एक चीज है तो मैं जिंदा क्यों हूँ, कैसे जिंदा हूँ मैं। जी जी। दूसरा है कि मैं कौन हूँ, जी, ये उसमें पहचानना। और तीसरा, जब मैं जो हूं अगर मैं पहचान गया, ठीक है, तो मुझे किस चीज का सहारा लेना है। तो जैसे मैं योग ध्यान को थोड़ा सा उसमें, उस कविता में लाया हूं, और उसके बाद अगर मैं
थोड़ा जी सर डेटा का ज्ञान उसमें डाल दिया हूँ उस लाइन में, कि अगर उसको आप लेके आगे बढ़ते हैं जी तो आप फिर कहाँ जाएंगे, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि हम कहाँ पहुंच गए। तो वो कविता ऐसी है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, तू माने सब लोग, एवरीबॉडी, जी इस जहां में तू एक उड़ता हुआ परिंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है। इन दो लाइनों में ये कहना चाहता हूं कि एक तो मैं क्यों जीवित हूं, हर आदमी आज श्वास, आज पूरा कोविड सबके श्वास के लिए आफत लेके आया हुआ है, ठीक है? जी तो पहली बात तो श्वास बहुत जरूरी है, इसलिए हम जिंदा हैं। दूसरी लाइन ये कह रही है कि हम इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद है, उड़ता हुआ परिंदा है। परिंदा कौन होता है? कहीं भी जाए, जहां मन करे उसकी इच्छा हो, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसको फ्लाई करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेगा। तो उसके बाद फिर जो लाइनें आ रही हैं उसका भी अपना मतलब है, बताते रहेंगे हम। तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, इस जहां में तू एक उड़ता हुआ परिंदा है, गर गर मीन्स अगर, गर तू अपनी इन सांसों को ध्यान से दे, ये ध्यान की चीज है, साधना, गर तू अपनी इन सांसों को ध्यान से दे, तब तू समझेगा कि तू खुदा का बंदा है, तब तू समझेगा कि तू खुदा का बंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है। तो अब जो बाद की दो लाइनें आई उसमें ध्यान की बात आई, और जब ध्यान जो करता है तो उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी आती है, जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो एहसास होता है कि नहीं, जो कहा जाता है कि हर हर मन में, हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर वास करते हैं, वो वाली फीलिंग आती है। तो इन चार लाइनों का मतलब यह है। उसके बाद गर तू खुदा का बंदा है तो किस बात की चिंता है, और गर तू खुदा का बंदा है तो किस बात की चिंता है, तू कर्म कर आगे बढ़, फल की चिंता छोड़ दे, तू कर्म कर आगे बढ़, फल की चिंता छोड़ दे, एक दिन पाएगा तू, एक दिन पाएगा तू, इस जहां में सबसे बड़ा मानिंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, इस जहां में तू एक उड़ता हुआ परिंदा है, तेरी सांस है। तो सारा निचोड़ इसमें मैंने डाला है, इस चार पांच जी लाइनों में, कि अगर आप कर्म करिए, आगे बढ़िए, पूरा गीता का ज्ञान है, तो आप एक दिन देखेंगे कि भाई आप सच्चे राह पे हैं, आप खुशी के बारे में कुछ निगेटिव सोच रहे हैं, देखेंगे कि आप जहां पे हैं और उससे बड़ा कोई सम्माननीय स्थान कोई नहीं हो सकता है, एक दिन पाएगा तू कि तू सबसे बड़ा मानिंदा है। किस कंडीशन में आपने ध्यान साधना को कुछ रखा, कर्म किया, फल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा, कर्म करते गए। तो गीता तो यही कहता है, पूरा गीता ज्ञान, मैं तो पर डे एक चैप्टर 1986 से गीता पढ़ रहा हूँ, और जितना कोशिश वाह होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, 1986 से प्रतिदिन एक चैप्टर मुझे गीता का पाठ करना ही करना है। और आपको बताऊं, मैं इवन बाहर भी जाता हूं, मुझे 3 बजे सुबह फ्लाइट भी रहती है, तो
तभी मैं नहा के उसको पढ़ करके तभी मैं फ्लाइट या उसमें जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास रहे सबका, सब लोग भी पॉजिटिव सोच हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीबडी एवरीथिंग कैन बी डन। तो मेरा यही कहना है कि पॉजिटिविटी के साथ सभी लोग लगे रहें, अपना गोल निर्धारित करें, उस गोल के अनुसार अपना मेहनत करें और निश्चित रूप से प्राप्त होगा और वो आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। फर्मालोक के सभी दर्शक पे मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में आपको अगर सफल होना है तो दो ही तरीके की चीजें हैं जिससे आप सफल हो सकते हैं, और दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि दूसरों के बनाए हुए पदचिन्हों पे चलते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो कि वो पदचिन्ह बनाते हैं जिससे कोई दूसरा चल करके जो सफल हो सकता है। तो हमारे आज के जो अतिथि हैं प्रोफेसर बी मिश्रा सर, इन्होंने ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पदचिन्ह बना दिए हैं। अगर हम उन पदचिन्हों पे रख पाए अपने पैर तो हम सफल हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और आपसे बात करके जो ये हमारा बीता हुआ 1 घंटे का समय था, हमारा और हमारे दर्शकों का, वो भी अमूल्य हो गया है, उसकी कोई मूल्य अब रही नहीं, और ये हमारे जीवन के सबसे अच्छे क्षणों में से एक होने जा रहे हैं। और आपके कही हुए सभी बातें, एक एक शब्द जो आपने कहा है, उससे हमारे सभी दर्शक, चाहे वो कोई छात्र हो, शिक्षक हो, किसी भी प्रोफेशन में लोग हो, इवन अगर वो फार्मेसी क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं किसी और क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, तो उन्हें भी अच्छे तरीके से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। और आपकी कविता के एक एक शब्द ने जो है हमें अंदर से झकझोर दिया है, हमारी जो है रोम रोम जो है वो प्रफुल्लित हो गया है सर आपकी बातें सुनकर के। और हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद मिलता रहे, और हमारे जितने भी लोग हैं उनके वो आप इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है कि आप हमेशा बाहें फैलाए रखते हैं, जो भी आएगा उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और इसी प्रकार से आप अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें, और हमारे दर्शकों को जो है वो आपसे जो भी कुछ आज मिला है उसके लिए वो हमेशा आपके आभारी रहेंगे, और हम भी आपके आभारी हैं। मैं अंतिम में अपनी जो हमारी टीम है, जो हमारे स्पॉन्सर हैं श्री बालाजी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारे प्रणेता हैं डॉक्टर सॉरी मिस्टर अमित झा जी, और हमारी पूरी टीम फरमालो की जो टीम है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शुक्ला जी, मैं भी बहुत इंजॉय किया आपके साथ, आपने जी बहुत सर, धन्यवाद संजीदगी सर। के साथ प्रश्नों को और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को रखा, और मैंने उम्मीद है कि प्रयास किया उसका जवाब देने के लिए। अमित झा जी का विशेष आभार और पूरी टीम का आभार और बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर को आभार कि मुझे एक अवसर दिया आप लोगों ने कुछ कहने का। और मैंने जो कुछ भी कहा है अपने दिल से कहा है, दिल से निकली ही बात है, और जो कुछ भी मैंने जी कहा सर, है मैं अपने बिल्कुल जीवन में बिल्कुल अपनाता हूँ, और जीवन में अपनाने के बाद ही उसको मैं फिर बोलता हूँ। तो उम्मीद है कि लोग इससे लाभान्वित होंगे, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। थैंक यू सर वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।